सोलन नगर निगम को अपने पहले मेयर और डिप्टी मेयर मिल चुके हैं। आज सभी पार्षदों ने शपथ ली। कांग्रेस की ओर से पूनम को मेयर और राजीव कौड़ा को डिप्टी मेयर के लिए चुना गया है। बता दें कि सोलन नगर निगम में 17 वार्ड हैं, जिसमें अब कांग्रेस पार्टी राज करेगी। इस जीत पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर, चुनाव प्रभारी राजेंद्र राणा सहित सोलन के विधायक कर्नल धनीराम शांडिल भी मौजूद रहे। नगर निगम बनाने के पश्चात कांग्रेस द्वारा शहर भर में विजय रैली निकाली गई। हालांकि वोटिंग से पहले स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल भी जीत के लिए अस्वस्थ थे, लेकिन जोड़ तोड़ की राजनीति भी इस बार काम नहीं आ पाई। शानदार जीत के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने पत्रकार वार्ता में बताया कि यह बिंदल की हार नहीं है, यह मुख्यमंत्री की हार है। मुख्यमंत्री ने सोलन में खूब एड़ी घसी, लेकिन वह काम नहीं आई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने मुख्यमंत्री को चैलेंज किया था कि पार्टी सिंबल पर चुनाव करवाए जाए। इसी का नतीजा है कि भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ा, वरना भाजपा जोड़ तोड़ की राजनीति से सभी को अपने साथ मिला लेती है। उन्होंने कहा कि जनबल की जीत हुई है व धनबल को जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है। सरकार की हार और ये जो है जनबल की जीत है, जनबल ने जो है धनबल को हराया। कि आप जो नगर निगम के चुनाव है वो पार्टी चिन्ह पे करा के देखें। हमें खुशी है कि मुख्यमंत्री जी ने हमारी चुनौती को स्वीकार किया और हमारा जो स्टैंड है वो आज इंडिकेट हुआ है। चार जो नगर निगम के चुनाव हुए, दो में हमारी जो है स्पष्ट तौर पे विजय हुई है। मंडी में मुख्यमंत्री जी का जिला है, लेकिन वहाँ भी मुख्यमंत्री जी को एरिया रखने के हमने मजबूत किया। धर्मशाला में किसी पार्टी को बहुमत नहीं था, वहाँ जोड़ तोड़ से भारतीय जनता पार्टी ने जो है नगर निगम बनाया है। ये चुनाव आने वाले समय में जो परिवर्तन हिमाचल में नजर आ रहा है उसकी तरफ जो है स्पष्ट संकेत है। जनता ने जो ये मैंडेट दिया है वो कांग्रेस पार्टी की नीतियों को दिया, कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रमों को दिया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो 3 वर्ष की विफलता रही उसमें ये जनता का आक्रोश सामने आया और यही जीत का सिलसिला हमारा आगे चलेगा और 2022 में प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। वहीं नवनियुक्त मेयर पूनम ग्रोवर ने बताया कि उनकी प्राथमिकता सोलन को एक आदर्श शहर बनाना है। उन्होंने कहा कि जो भी समस्या सोलन में है उसे पूरा किया जाएगा। मेरी प्राथमिकता रहेगी सोलन नगर निगम को एक आदर्श नगर निगम बनाना है। इसमें सबसे पहले जैसे हम पार्किंग की समस्या है, पैदल चलने के रास्ते की समस्या है, पानी की समस्या है, अपने गार्बेज की समस्या है और एक ग्राउंड की भी यहाँ थोड़ी दिक्कत है, एक ही ग्राउंड है हमारे पास। तो ये सब समस्या को जो है जल्द से जल्द जो है हम इनको समस्या को